सबको अपनी अपनी एक चीज़ रहती है कि जो भी नवाब बनेंगे वो एक ऐसी निशानी छोड़ के जाएंगे जिसके लिए सारे लोग उन्हें याद करें। भाई आ रहे हैं, यू नो द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ हैदराबाद, मतलब द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ हैदराबाद। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इट मीन्स जिंदगी एक सफर है सुहाना। भाई सफर 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 मतलब कहीं ना कहीं घूमने जाओगे। तो आज भी हम इस दिन को, आज है 30 दिसंबर, तो आज जो है सेकंड लास्ट डे ऑफ दिस ईयर, हम आज कहीं घूमने जाने वाले हैं हैदराबाद के इन वातावरण से घुलते मिलते हुए, रास्तों के मज़े लेते हुए कुछ स्पेशल जगह पे। लेकिन एक मिनट, वो कौन सी जगह होगी वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो एक सीक्रेट जगह है और जब तक सीक्रेट होती है तब तक मज़ा आता है, तो मैं व्लॉग में नहीं रिवील करने वाला हूँ। चलते हैं साथ में, और हमारे साथ हैं हमारे कुछ दो प्यारे दोस्त, मैं उनसे अभी मिलवाता हूँ। और तीसरे तरीके के भी लोग हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ घूमने जा रहे हैं, तो वो है एक से ज़्यादा, तो गेस करो कौन हो सकता है, वो हो आप लोग। तो आप भी चल रहे हो ना हमारे साथ घूमने, इसलिए मैंने बोला कि तीसरे लोग में आप शामिल हो। तो चलो मिलके आज घूमते हैं हैदराबाद की पूरी गलियों से होते हुए, हैदराबाद की पूरी, हैदराबाद की वो सारी चीज़ें, हैदराबाद में जहाँ जहाँ अभी तक नहीं गए हैं वो सारा चीज़। तो आज दिन भर की ट्रैवलिंग होने वाली है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। So guys, this is the first destination I have visited yet. देखो यहाँ पे, you know the चार मीनार, you can see. So this was I was talking about कि कहाँ पे हम जाने वाले हैं, तो there are three here. ये पहली है भाई, मैं थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा ही बोलने लगा। तो ये यहाँ से देखो कितना ज़बरदस्त आ रहा है ना ये वाला एंगल, मैंने वहाँ से एकदम घूमते हुए आया चेक करते हुए कि कहाँ से आएगा ये। सो फाइनली यहाँ से बहुत तगड़ा आ रहा है हमारे, तो मेरे मित्र ट्राइंग टू कैप्चर फोटो एंड सेकेंड मित्र लुकिंग वेरी स्मार्ट। तो इस चीज़ को हम सिर्फ यहीं से बाहर से नहीं देखने की कोशिश करेंगे, विल ऑल्सो गो इन साइड एंड ऊपर तक चढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसा है। क्योंकि मैं पिछली बार जब आया था दोस्तों, तो पिछली बार मैं चढ़ नहीं पाया था, क्योंकि दैट टाइम वॉज यू नो द टाइम ऑफ नाइट, तो उस समय रात का समय था और मैं चढ़ नहीं पाया था। ठीक है, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी खासी नहीं होगी तो भाई माफ़ करना। तो अभी हम चलेंगे ऊपर में सब लोग साथ में, सो ओके। तो ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं साथ में हम लोग। तो अभी अंदर जाने से पहले हम पहले कुछ खाएंगे, बिफोर वी गो इनसाइड द चार मीनार लेट्स हैव सम ब्रेकफास्ट। तो इट्स बेसिकली व्हाट इज रिटन भाई, निमरा कैफे एंड बेकरी। तो बेसिकली हम इसमें से ट्राई करेंगे या इसमें से ट्राई करेंगे, आई वुड प्रेफर दिस वन, बट हमारे दोस्त कह रहे हैं ये वाला मीठा होगा, बट ये भी मीठा होगा, देखते हैं कौन डिसाइड करते हैं। सो दोस्तों बेसिकली यहाँ की बेकरी बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं खाने के लिए। दिस इज पनीर रोल, पनीर रोल, खोआपुरी, खोआपुरी, बिस्किट नॉर्मल चाय के साथ जो खाते हैं, एंड दिस वन इज आल्सो द सेम थिंग। ओके, दिस तीन खोआपुरी है, वो एक ये है, देखिए। इस बेकरी में क्या क्या थे आई डोंट नो, ये कि उसके नाम क्या क्या थे मुझे याद भी नहीं हुआ, तो वीडियोस में देख करके आपने जो सुना होगा वो बस देख लेना, हमने अब कर लिया है। लाइक बिहार का मैं पता नहीं क्या होता है, बट यहाँ पे बेकरी इज़ फेमस टॉप नॉच 515 प्रॉपर। हम लोग सुबह जो चाय बिस्कुट खाते हैं ना, यहाँ पे लत लग जाएगा भाई, बहुत अच्छा था, बहुत चाय भी बहुत सॉलिड चाय, तो हमारी कैमरा से तो बहुत ऐसा क्वालिटी का चाय यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बट दिस वॉज गुड, रियली वॉज गुड। तो हम लोगों ने बस अब कर लिया है बस ब्रेकफास्ट, और यहाँ से थोड़ा सा मार्केट आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ की फल बहुत ज़्यादा फेमस है, मोती जो होती है ना बहुत फेमस है, और यहाँ की जो मार्केट है ये सब,
इन सब मार्केट को थोड़ा सा अच्छे से दिखाएंगे आपको और तब हम जाके ऊपर चलेंगे। ओके, सो जस्ट बिफोर गो इनसाइड द चार मीनार, लुक एट दीज मार्केट यू नो शॉप्स कि कैसे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे तो कुछ, अभी मेरे को एक व्यक्ति मिले, वो पर्ल हमें बेच रहे थे कि भाई पर्ल ले लो। मैंने बोला मैं क्या करूँगा भाई मोती ले करके। सो लुक, बहुत फेमस है यहाँ की जो पर्ल होती हैं, और ये सब मार्केट है कुछ तो। एक सेकेंड, मैं किसी से पूछ लेता हूँ किससे टिकट मिलेगा। पूछूँ? एंट्री टिकट। हाँ, एंट्री टिकट है ना। फॉरनर्स के लिए कितने भाई? 300 फ्री। लुक, फॉरनर्स 300, इंडियन 25। तो टाइम इज 9 to 5:30। ओके, सो भाई एक इशू है ना कि हमें बैग लेकर के अंदर नहीं जा सकते, तो हम बैग को मतलब प्राइवेट जगह पे जमा करने आए यहाँ पे। एंड द कॉस्ट फॉर इट इज 20 rupees। हाँ, फॉर वन बैग ना। गुड सर्विस। लाइक कैसे, पूरा पतली गली है ना इसमें। क्या लिखे उस पर? FM? आई डोंट नो। ओके, नहीं मेरे दिमाग में ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्यों ये जो नवाब टाइप लोग होते थे, क्यों ये चार मीनार बनवाते हैं? मस्त घुसने का ऐसी है। ओके, सीढ़ी देख लो तो पूरा पतला भाई। कहाँ तक जाना, मतलब इतना पतला तो मतलब क्यों फिटिंग इन? यार क्या शॉप, अरे आई एम नॉट दैट। ओके ओके, अच्छा जी। सो कुछ ऐसे चल रहे हैं हम लोग, ऐसे चल रहे हैं कुछ ऐसे टावर में है, इट्स काइंड ऑफ अ स्पाइरल थिंग। टावर में ऐसे ही बात है, हमने एक टावर में है, एक टावर में ये बना हुआ है ये सारा सीढ़ी। वो कॉरिडोर टाइप का प्लेयर तभी सोफिया दीदी। तो अब हम जाके पहुँचे एंड हमारे भाई आ रहे हैं यहाँ से कुछ हैदराबाद सिटी, यू नो द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ हैदराबाद, मतलब द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ हैदराबाद ये वाला है। कुछ वो क्या है, सेब है क्या वो? नहीं नहीं, दैट इज एप्पल। सबको अपनी अपनी एक चीज़ रहती है कि जो भी नवाब बनेंगे वो एक ऐसी निशानी छोड़ के जाएंगे जिसके लिए सारे लोग उन्हें याद करें। सो बेसिकली जिस सीढ़ी से हम आए वो सीढ़ी एक मीनार के अंदर बना हुआ है, एक टावर जो था ना उसके अंदर बना हुआ है वो सीढ़ी। चार मीनार है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। तो वन मीनार। हाँ, सो द आइडिया इज दैट वी गो दैट साइड। हाँ, या फिर You go that side, we'll stand here, you take a picture, then we come back, then I'll take your picture. Okay, that's nice idea. तो अभी हम यहाँ पे हैं, तो अनंत भाई सामने दिख रहे हैं वहाँ पे। So, अनंत bro. तो यहाँ से हम खड़े होकर के कुलदीप भैया की और अनंत भैया की दोनों लोगों की फोटो लेंगे और उसके बाद हमारे भी। सो दिस टाइम अनंत भाई इज दैट साइड और वो वहाँ से हमारे पिक्चर्स लेंगे। सो हम दो यहाँ पे, बस हमारी मोबाइल, सॉरी मेरा कैमरा ना गया भाई बहुत नीचे है। देख हमारे समाज की हर्ष रियलिटी क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है इसने, दीवार पे थूक लिखा नहीं, दीवारों पे हमेशा लिखन है, हमेशा लिखा हुआ है। सत्या भाई का फोटोग्राफी स्किल्स चलते हुए ना, तो आई थिंक चार मीनार में ज़्यादा वो कुछ फोटोग्राफी टाइप नहीं है, इट्स बेसिकली हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड बेसिकली हिस्ट्री इज ऑफ दैट वाई दिस पर्टिकुलर डोर्स वर मेड एंड ऑल दैट स्टफ हैपनिंग। एंड द बेसिक पॉइंट इसका जो यही है, द मोस्ट रिफ्लेक्टिंग पॉइंट इसकी दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस सराउंड थिंग, ये जो पूरा सराउंडेड है दिस पर्टिकुलर सराउंडेड थिंग। And when you look down, you find it very glorious. So basically yeh hai. And abhi tak picture session complete nahi hua hai, but it'll be theek, it's fine. And the majestic, I find this more majestic, I guess. The whole of, and that looks amazing. I don't know what is that, but I'm damn sure hum log wahan jayenge. And this I think we would surely find that particular piece to be like gelling upon. But this looks more majestic to me. Is zyada sahi lag raha hai aapko? Hoping to like make sure that this stays in our hearts forever.
आप दोनों साथ में हो जाओ, फोटो ले लेते हैं, कट बंद कर रिकॉर्ड हो, साथ में हो, साथ में हो। यहाँ पे सबसे अजीब चीज़ लगता है, यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ दीवार पर लिखा नहीं, और पूरा ग्रेव कर दिया इसे लोगों ने। इनग्रेविंग कर सकते हैं, लिख नहीं सकते लोग, फोटो फोटो वीडियो चल रहा है। हाँ वीडियो चल रही है। थ्री बडीज वी आर हियर एंड वी आर गोइंग टू यू नो दैट मॉस्क। सो इफ आई हैव टू रेट हैदराबाद चार मीनार आउट ऑफ 5, ठीक है हिस्टोरिकल वाइज 3.9, but you know the ambience wise I would give it 3.8. overall ठीक है 3.9 again. let's see Kuldeep's rating. So average. So I'll be rating Char Minar from 10. I'll be giving it a 6.3 somewhere around that, because it's worth visiting at least once, but not more than once. So I'm done with it now. Thank you. Actually, I came here, you know, in the night. So, यहाँ पे बस नहीं चला था, इसलिए बस मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बाकी सारे मार्केट्स नहीं। But better than that is this bakery which is here, Nimrah Bakery. हाँ, Nimrah Bakery. That's उसका rating ज़्यादा है चार मिनट से। चार मिनट से ज़्यादा अच्छा rating. और एंड फिर से हम इस मीनार पे हैं। ये जो है ना एक मीनार है, मतलब कि एक पिल्लर, वो जो दिख रहा है ना वो वैसा ही एक है, और इसके अंदर सीढ़ी बना हुआ है, एंड दिस इज द एग्जिट गेट। पटना में जो स्टेशन पे माहौल होता है ना निकलने के बाद, वो यहाँ पे है। हाँ वो स्टेशन वाला ना, पटना जंक्शन कर भी गई है वाला ना। पटना जंक्शन में तो इतना ज़्यादा होता है इससे, बट ठीक है, अभी शायद दिन का माहौल है इसलिए इतना हल्का है, बट ठीक है। शाम को और ज़्यादा हो जाता है, बट ज़्यादा कुछ है नहीं लड़का लोग के लिए, सब लड़की लोग के लिए। हाँ एंड अकॉर्डिंग टू आर सोर्स कुलदीप भाई साहब, यहाँ का पर्ल्स वेरी फेमस, एंड वी ऑब्वियसली विल शॉप व्हेन वी गो होम back in holidays. Take pearls for your sisters, your mothers, your aunts, everyone. Ah, definitely. ये तो नहीं हुआ होगा ना when it was made. अच्छा यहाँ पे भी ट्रैफिक लग गया ना मीनार में भी, हम मीनार में भी ट्रैफिक लगा हुआ है, चले अब ट्रैफिक खत्म हो गया, इसको बंद कर देना चाहिए सरकार की, तो सरकार की लापरवाही देखिए, वहाँ भी नहीं है सब यहाँ पे भी है।